सो हेलो गाइस, ये वीडियो सॉलेंट सीरीज का एपिसोड 206 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें सिलू शहर का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर दाईवाईसी वॉर मैप के जरिए सभी को वॉर की डिटेल दे रहा होता है। अब वो एम्परर ज़ुबैंग और अपने फादर किंग बियर से कहता है कि महामहिम, वर्तमान स्थिति में हम एक बड़े नुकसान का सामना कर रहे हैं। हर बार जब हम आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं तो मार्शल सोल एम्पायर अपनी बड़ी तादाद के सोल मास्टर की मदद से हमें कुचल देता है। यह बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मार्शल सोल एम्पायर ने अब हमारे दोनों तरफ के बॉर्डर्स को घेरना शुरू कर दिया है, और अगर हम अपने बॉर्डर्स को हार जाते हैं तो इसका परिणाम कोई सोच भी नहीं सकता है। इतना सुनते ही तुरंत ही तैंग सैंग दाईवाईसी को बीच में टोकते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भले ही स्थिति गंभीर है पर यह अभी भी निराशाजनक नहीं हुई है। मेरा मानना है कि मार्शल सोल एम्पायर वर्तमान स्थिति में हावी हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी गंभीर कमजोरी को भी उजागर कर दिया है। ये सुनते ही एम्परर ज़ुबैंग तैंगसेंग से कहता है कि मास्टर, आपका मतलब क्या है? अब तैंगसेंग उन्हें डिटेल में बताते हुए कहता है कि उनकी फाउंडेशन ही उनकी कमजोरी है। एक लड़ाई केवल युद्ध क्षमताओं के बारे में नहीं होता है, बल्कि एक एम्पायर की पूरी क्षमताओं के बारे में भी होता है। भले ही मास्टर सोल एम्पायर के पास बहुत सारे सोल मास्टर्स हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कल्चरल फाउंडेशन बहुत ही कमजोर है। आर्थिक शक्ति और टेक्नोलॉजी के मामले में भी मार्शल सोल एम्पायर की उन्नति तियानदो एम्पायर और जियांगलो एम्पायर से बहुत ही ज्यादा पीछे है। इतना सुनते ही अब तुरंत ही जुजुयुन सभी से कहती है कि इसी वजह से मार्शल सोल एम्पायर हमारे खदानों और फार्म्स पे लगातार अटैक करता रहता है। उनके वर्तमान रिसोर्सेस के साथ वे इस लड़ाई को ज्यादा दिनों तक लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। अब तुरंत ही दाईवाईसी यहाँ से आगे कहता है कि इसलिए मार्शल सोल एम्पायर को हराने का सही तरीका इस लड़ाई को लंबा खींचना है और उन्हें अपने रिसोर्सेज को खत्म करने के लिए मजबूर करना है। एक बार उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो वे हमसे ज्यादा दिनों तक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और हार जाएंगे। अब तैंगसेंग कहता है कि महामहिम, मेरा सुझाव है कि हम कल की जीत का फायदा उठाए और अपने आसपास के हारे हुए सिटीज में जवाबी हमला शुरू करने के लिए सिलू शहर को ही एक बेस के रूप में उपयोग करें। बस एक बार हमारी सप्लाई लाइन बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद हम मार्शल सोल एम्पायर के सबसे कमजोर हिस्से पर दबाव डाल सकते हैं और उस पर हमला भी कर सकते हैं। तैंगसेंग का सुझाव सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद एम्परर ज़ुबैंग सभी से कहता है कि तो फिर ठीक है, जियांगलो एम्पायर के किंग को युद्ध में अच्छा खासा अनुभव है और उनका नेतृत्व करने का तरीका भी मुझसे ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैं सिलू शहर के सभी सैनिकों को जियांगलो एम्पायर को सौंप दूंगा। अब एम्परर ज़ुबैंग इस निर्णय को सुनकर इम्पीरियल स्कूल के प्रेसिडेंट मिंग सेंग जी एम्परर ज़ुबैंग से कहते हैं कि महामहिम, कृपया आप इस मैटर को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि सिलू सिटी तियानदो एम्पायर के साम्राज्य क्षेत्र में आता है और पार्टनरशिप में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा सोच समझकर इस बारे में निर्णय लें। टीचर मिंग सेंग जी की बात सुनकर अब एम्परर ज़ुबैंग उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहते हैं कि अगर मैं एक सिटी के मामले में अपने साथी साम्राज्यों पर भरोसा नहीं कर सकता तो मैं अपने देश के साथ उन पर कैसे भरोसा कर पाऊंगा। इसलिए आज से ही सिलू शहर की सेनाएं एक एम्पायर से बंधी नहीं रहेंगी, वे जियांगलो एम्पायर के किंग के नेतृत्व में भी हमारे संयुक्त सैनिक बन जाएंगे। तो अब इस फैसले के बारे में किंग बियर का क्या सोचना है? अब जियांगलो एम्पायर के किंग बियर कुछ सोचते हुए कहते हैं कि मुझे यह प्रस्ताव पसंद है। अगर महाराज मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं उनको निराश नहीं करूंगा। यदि संयुक्त सैनिकों ने सफलतापूर्वक जवाबी हमला किया तो मार्शल सोल एम्पायर को इस अटैक से बड़ा झटका लगेगा और इसके प्रभाव से हमारी सीमाओं पर दबाव भी कम हो जाएगा। तब तक हमारी दोनों तरफ की सेनाएं फ्रेंडली सेना बनकर काम करेंगी और हमला करने की हमारी रणनीतिक योजना बनाएंगी। अब एम्परर ज़ुबैंग तैंगसेंग से कहते हैं कि टीचर, क्या आप टैंक्स क्लाइन के स्पीड ट्राइब को हर एक युद्ध की खबर को हमारे सेनाओं के बीच पहुंचाने का काम सौंप देंगे और उन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर के साथ आगे बढ़ने का आदेश देंगे ताकि लड़ाई को लंबा खींचा जा सके और इसके साथ साथ वे अपना स्टैमिना भी बचा सके। अब तैंगसेंग एम्परर ज़ुबैंग से कहता है कि टैंक्स क्लैन को इस वॉर में मदद करने में खुशी मिलेगी। अब एम्परर किंग बियर कहते हैं कि आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से वाकिफ होंगे कि मार्शल सोल एम्पायर ने कितने सारे जघन्य अपराध किए हैं, इसलिए अब से जियांगलो एम्पायर और तियानदो एम्पायर हमारे कॉमन दुश्मन को हराने के लिए मिलकर काम करेंगे। इतना कहकर अब एम्परर किंग बियर
और एम्परर ज़ू बैंग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कमेटी में बैठे सारे लोग भी इस वॉर में साथ देने की कसम खाते हैं। इसके बाद दायमू भाई अपने फादर किंग बियर और एम्परर ज़ू बैंग को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि हम सातों श्रेक सेवन डेवल्स भी इस युद्ध में आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन श्रेक सेवन डेवल्स के लीडर होने के तौर पे मुझे महाराज से एक जरूरी बात पूछना है। अब एम्परर किंग बियर दायमू भाई को अपनी बात रखने को कहते हैं। अब दायमू भाई आगे कहता है कि गॉड ऑफ ओशियन के पावर से तैंगसेंग ने कल दुनिया को चौंका दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि तैंगसेंग अपनी ट्रेनिंग्स को जारी रखे और अपने बाकी के बचे दो ट्रायल्स को पूरा करके गॉड ऑफ ओशियन बन जाए। अब दायमू भाई की ये बात सुनकर तैंगसेंग कहता है कि मेरे बाकी के दोनों ट्रायल्स को पूरा करना तो जरूरी है, लेकिन आप सब फ्रंट लाइन में रहकर वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, इसलिए मैं बस इस सिचुएशन के नॉर्मल होने का इंतजार करना चाहता हूँ। अब जुजुजिन तैंगसेंग से कहती है कि ब्रदर सैन, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये लड़ाई अभी मनमाने तरीके से चलने वाली है और कोई नहीं जानता कि मार्शल्स ओलंपायर ने अपने कौन कौन से ट्रम्प कार्ड को छुपा रखा है, इसलिए तुम जितनी जल्दी गॉड बनोगे हमें उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी। अब इसके बाद निंग रोंग रोंग आगे आती है और वो तैंगसेंग से कहती है कि हमें तुम पर विश्वास है, हम जानते हैं कि तुम शावु को बहुत ही जल्द पुनर्जीवित कर दोगे, बस एक बार शावु की सोल वापस आ जाए और वो कंप्लीट शावु बन जाए, उसके बाद हम पूरी तरह कंप्लीट श्रेक सेवन डेवल्स बन जाएंगे। ये सुनकर अब एम्परर ज़ू बैंग खुश हो जाते हैं और सभी से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम सभी उस दिन का इंतजार करेंगे जब किंग लानहाओ यानी कि तैंगसेंग एक गॉड बनकर वापस आएंगे। अब तैंगसेंग भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मीटिंग हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग फ्रंट लाइन वॉर के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं और सिलू सिटी में गॉडली ज़ू क्रॉसबो के बहुत सारे कंसाइनमेंट को भी लाया जाता है और अब स्प्रिट क्लैन के डिसाइपल सिल्यू सिटी से निकलकर बैटलफील्ड का निगरानी रखने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें सिल्यू सिटी के प्रवेश द्वार पे सभी श्रेक्स को दिखाया जाता है, जहां पर तैंगसेंग और शावु ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने गेटअप को थोड़ा चेंज किया हुआ है। अब तैंगसेंग और शावु बाकी श्रेक्स से विदा लेते हैं और स्टार द फॉरेस्ट के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पीछे से बाकी श्रेक्स उन दोनों को अपना ख्याल रखने को कहते हैं और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप एक नए एनिमे लवर है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।